कैसे हो आप लोग? ये देखो क्या खा रहे हो क्या बोलते हैं को? यार। ये दाल से बहुत है ऐसे, मुझे जो मुझे याद है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बोलते हैं। वैसे ये बना के देते हैं, इसमें प्याज व्याज डालते हैं, बट अभी खा दाल, नहीं सकते। सेब एंड मटर। ये तो मैंने ऊपर से डाली है। बट मैंने इसमें वो मीठी, वो उसकी खट्टी वाली चटनी नहीं डलवाई। तो मैम ये खाते हैं, फिर आज हम लोग देखते हैं क्या दिखाते हैं आपको, मुझे भी नहीं पता रहता। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। क्या हाल है? तो कल परसों प्रॉब्लम आ गई थी यार, हमारा जो बोर्ड सर्किट है उसमें कुछ स्पार्किंग का इशू आया था, जिससे हमारा बोर्ड सर्किट जल गया था। धुआं निकला ज़बरदस्त। तो अभी दो तीन बंदे आए थे, इंजीनियर्स इलेक्ट्रिसिटी वाले, उन्होंने ठीक कर दिया। तो लाइट आ चुकी है, एक घंटे बाद लाइट आई है। और ये गाइस मेरी बाइक खड़ी है, RR 310। इसकी सर्विस करवानी है मुझे, जो मैंने अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि मैं अपनी खुद की सर्विस नहीं करवाता। महीने में एक दो बार नहा लिया तो सर्विस हो गई। तो ऐसे मैं अपनी चीज़ों का भी ऐसे रखता हूँ, तभी प्यार बढ़ता है। तो आज शाम का देखते हैं क्या प्लान। अभी मेरा ऑफिस चल रहा है और आज धूप बहुत तगड़ी हो रखी है, एकदम तगड़ा निकला हुआ है भाई आज, बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं। सो गाइस, अभी कुछ इशू आ गया था यार हमारे आरओ में, कुछ इसका ये प्लग खराब हो गया था। तो भैया प्लग लेकर आए तो हैं और उन्होंने लगा दिया। अब चल रहा है काम, आरओ में पानी भी भर रहा है ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही मुझे। आधे घंटे पहले दिक्कत थी, अब नहीं है। तो अब मैं थोड़ी किचन फैली हुई है यार, कोई बात नहीं यार, अब कभी अभी चलता है ऐसा। तो यहाँ पे बन रहे हैं टनाना पकोड़े, मिर्च वाले विद अनार, नहीं विद आमचूर, जिससे खट्टापन आएगा। और ये बेसन लगाया जा रहा है ब्रेड में। एक्चुअली क्या है, मेरे को आज दिन में खाना नहीं दिया, खाना दिया नहीं, भूल गए हो। दिया नहीं, बंदा ऑफिस में बिजी रहे तो उसको भूल तो वो कुछ भी सकता है, बट पूछा ही नहीं यार, दिया ही नहीं, अब क्या करें। देना ही नहीं था, खाया नहीं मैंने। और साथ में रखी हुई हमने चाय, ये तुमने बनानी थी जो मुझे बनानी पड़ रही है। और ये है बेसन ब्रेड, देखो कितनी क्यूट लग रही है। और ये बन रहे हैं पकोड़े, पकोड़े नहीं ब्रेड पकोड़े, सॉरी। हाँ, प्लेन हम आलू वाले नहीं बना रहे, क्योंकि इस पे हम इसको रख देंगे, ठीक है। और ये हम चाय में दूध डालेंगे और इससे मैं शायद किसी का गला काटूंगा। और ये बेसन है। अरे ये बताओ, मैंने आज रील डाली अपने अपने यार, आज एक रील डाली है पर्सनल इंस्टाग्राम में निशी के, जो है जो जो फॉलो कर रहे हैं भाई, डू चेक और कमेंट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। विपक्ष में बैठे हुए हैं ये लोग और हमारी जन पार्टी को खराब करना चाह रहे हैं लोग। तो वोट तो मुझे ही मिलेगा एट द एंड, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बस दूध डाल दिया चाय में। बट बता दो सबको, ऑडियंस को, कि मैं नहीं पी रही हूं, क्योंकि मुझे तुमने बना कर लिया। अब क्या है कि निशी को मैं बना चुका था थोड़ी देर पहले चाय, इसलिए वो नहीं पी रही। तो ये हरी मिर्च है, ये कड़वी होंगी। इसके मिर्च के इसके बीच में ना हाथ लगा के मैं आंख में दिखाऊंगी। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, कड़वी है ये, तभी असली पता चलेगा जब मैं। चलो ये खा के पता चलेगा गाइस कि ये मीठी है कि कड़वी है। और मामा क्या कर रहे हैं? वो टीवी देख रहा है, फिर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट आ जाएंगे, म्यूजिक बज रहा हूँ। चलो ठीक है, बनाओ फिर, शाबाश, खाते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर तक। सो गाइस, ब्रेड पकौड़े आ चुके हैं, मिर्च भी आ चुकी है। पापा आपको पसंद है? बहुत बढ़िया बेटे, टेस्ट मजेदार है। आमचूर डाला हुआ है इसमें मिर्च में, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। पुदीने की चटनी है इसकी, आई थिंक वीडियो डल चुकी है इसकी रेसिपी। और मम्मा भी खा रही है, पापा भी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है। चलो मैं भी खाता हूँ। निशी आप भी आ जाओ। मम्मा पापा शाम की आरती कर रहे हैं। मम्मा पापा नवरात्रों में सुबह शाम दोनों टाइम की आरती करते हैं।
आप सब भी हाथ जोड़ लो, आरती कर लो। चलो आरती करते हैं, आरती का टाइम हो रहा है। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये जो टेम्पो खड़ा है ना, तो इसमें कुछ टेंट का सामान आया है, क्योंकि ये जो हमारे साथ वाले घर वाले हैं, ये हर नवरात्रि पे चौकी कराते हैं, तो कल ये करा रहे हैं। तो अब देखो, अब शायद टेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, रात में होगा। ये आप देख रहे हो सामान आ चुका है, और रात का टाइम हो रहा है। देखो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ये टेम्पो जाने लगा है। और अभी मैं बोर हो रही थी, तो मेरे को कुछ नहीं समझ आया, तो मैं थोड़ी देर बाहर आकर बैठ गई। मैंने सोचा चलो बालकनी में बैठ जाऊँ थोड़ी देर, बट देखते हैं फिर। अभी नींद भी इतनी जल्दी नहीं आती है कि सो जाओ, जब नींद आती है तब सोने का टाइम नहीं होता। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो टाइम बचा है। दीप भी अपना थोड़ा सा काम में बिजी है, इसलिए दीप को भी कुछ नहीं कह सकती। तो चलो वेट करते हैं, तब तक आप ये देखो, अगर कल यहाँ पे टेंट वगैरह लग जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से मोस्टली अपने नीचे पार्किंग वाले एरिया में करते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा ना भी दिखे। तो अगर बाहर से अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ऐसे मम्मा पापा जाएंगे वो तो शूट कर नहीं पाएंगे, अगर मैं जाती तो मैं तो शूट करती। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो अरे अभी तक चल रही है रामलीला, ये देखो श्री राम। चलो ये देखो गाइस, यही है दशहरा पार्क, जहाँ पे ये अशोक नगर का दशहरा पार्क है, छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे रामलीला होती है। और देख रहे हो आप कितनी लाइटनिंग हो रखी है। अरे वह मैगी भी खा सकते हैं हम, मैगी भी है। और ये देखो आइसक्रीम है, ये मुकुट, हाँ ये इतने सारे मुकुट है। यहाँ से ये एंट्री गेट है रॉयल इंडियन इवेंट्स। भाई हमारा वो है रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे रामलीला होती है, बहुत मजा आता है देख के। बट अभी 12:30 बजे तक चलती है, वैसे मेरे को 1 बजे तक भी चलती है जब वो लंका जलती है। हाँ ये मूंगफली वाले भैया बैठे हुए हैं लगा के, और लाइटनिंग देखा आप अच्छी सी, आवाज तो आई रही होगी आपको। और अभी हम लोग निकले हैं आइसक्रीम लेने, रात के 11:30 बज रहे हैं। ये सामने शॉप है बाउजी मोमोज, देखो खाने पीने की चीजें अभी तक खुली हुई है। एक बार वैसे इंडिया में हमारे यही चीज है कि खाने पीने की चीजों की कमी नहीं है, 24/7 भी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ये यहाँ का फेमस क्वालिटी ढाबा, यहाँ पे खाना भी मिलता है। ये एक पनवाड़ी की शॉप, आइसक्रीम वाला आगे होगा उससे लेते हो तुम। जलेबी वाले भैया, जलेबी नहीं खानी, बट मैं बता रहा हूँ। हाँ ये हमारे लेफ्ट में आगे सनातन धर्म मंदिर है। हाँ ये मंदिर है, यहाँ पे बड़े वाला मंदिर यही है, और ये है आइसक्रीम वाले भैया। तो ये आइसक्रीम आई है, कुल्फी ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा तीले वाली है अपन। क्या तीले वाली कुछ नहीं है, कुल्फी है ये। हाँ कुल्फी, और ये है मेरा बिस्किट सैंडविच। सैंडविच नाइस। चलो हम खाते हैं और मजे करते हैं। आज हमने बहुत मजे किए। अभी हम आइसक्रीम खा रहे थे, आप लोगों को दिखाया था, पता नहीं था इतनी गंदी निकलेगी कि टेस्ट ठीक करने के लिए मुझे नमकीन खानी पड़ेगी। मैं पंजाबी तड़के से अपना थोड़ा सा टेस्ट ठीक कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कौन सी ले, शाही कुल्फी के नाम से थी, मुझे लगा प्लेन होगी, सिंपल सी होगी। कुल्फी का के भी नहीं लग रहा था, और इतनी मीठी, ऊपर से मीठी होती है आइसक्रीम, बट इतनी ज़्यादा नहीं पता था। और दीप ने सैंडविच लिया था, सैंडविच आइसक्रीम, वो भी बेकार था। मतलब देखा जाए तो हैवमोर से अच्छा क्वालिटी वॉल्स का सैंडविच होता है। चलो अब तो खा लिया, वो भी टेस्ट ठीक कर लिया, और अब अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं इसके साथ ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।